comes. करेक्ट, अगर समझो आती है तो भी हमारी कंपनी सक्सेस हो सकती है, और नहीं आती है पर दोनों के चांसेस क्या अलग अलग है ना। अगर आती है तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना है? 30%। तो अनसक्सेसफुल की कितनी हो गई, और नहीं आती है तो कितनी है चांसेस है, तो नहीं सक्सेस होने की क्या हो गई। फॉरेन कंपनी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.65, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बाय डिफॉल्ट, 0. के सवाल समझ में आपको प्रेजेंट कैसे गया? सर हमको एक बात बताओ कि आपको कैसे समझा कि सक्सेस अनसक्सेस नीचे आना चाहिए, ऐसा भी तो कर सकते थे इंडियन कंपनी सक्सेस अनसक्सेस, ऐसा भी तो दिमाग में आ सकता है ना। जो पूछा होता है वो एंड में आता है सर, जो पूछा होता है वो एंड में आता है, मतलब क्या? यहां पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट पूछा था ना आपको, क्या सिलेक्ट करना था आपको, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो मैंने इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट एंड में लिया। यहां पे आपको साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था ना, तो मैंने साइंस कॉमर्स एंड में लिया। यहां पे आपको क्या पता करना है, क्या पता करना है, सक्सेस या तो सक्सेस या अनसक्सेस कहां पे आएगा, एंड में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए सक्सेस अनसक्सेस कहां पे आया, एंड में। अब ध्यान से सुनना, सेम लॉजिक, फॉरेन कंपनी आई तो भी हमारी कंपनी क्या हो सकती है, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, सक्सेस करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, यहां पे इसकी पूछी थी, समझ में आ रहा है क्या, यहां पे इसकी पूछी है, यहां पे किसकी पूछी थी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की, आई क्या बात समझ में, ठीक। बताओ फॉरेन कंपनी आई तो भी सक्सेस हो सकता है, नहीं आई तो पहले ये केस लेते कि फॉरेन कंपनी आई तो क्या होगा, इनटू प्लस हो गया ना, आया क्या समझ में, ठीक। क्या हुआ अब नेक्स्ट, ध्यान से देखना, अभी जो चार सवाल है वो मिसलेनियस है, मिसलेनियस मतलब क्या, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, आपको एग्जाम में बैठ के उसी टाइम पे दिमाग लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट टू लास्ट एग्जाम में आया था, सेम डिट्टो। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स, अ बॉक्स बी कंटेन्स 2 रेड एंड 7 व्हाइट बॉल्स, सर ये हो तो चुका नहीं, सिर्फ पहली लाइन से मैं आगे चेंज होगा। अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉक्स ए टू बी, मतलब क्या, ए से बॉक्स, ए बॉक्स में से बॉल निकाल के किसमें ट्रांसफर किया, पिछला सवाल क्या बोल रहा था, नेक्स्ट लाइन में, अ बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ये था ना, तो पिछला सवाल से अलग क्यों है ये समझ में आया, क्या इसमें बॉक्स सिलेक्ट कर रहे हो आप, नहीं क्या कर रहे हो, ट्रांसफर, ए बॉल ए बॉक्स में से बी बॉक्स में, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स, तो प्रोसेस कब खत्म होगा, सेकेंड बॉक्स में से बॉल निकालने के बाद, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल फ्रॉम सेकेंड बॉक्स इज रेड, कुल मिला के बॉल निकालने कितने हैं, एक, कहां से, सेकेंड बॉक्स में, पर उसके पहले करना क्या है, फर्स्ट बॉक्स से सेकेंड बॉक्स में ट्रांसफर करना है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 34, कितने 5 रेड 3 व्हाइट है ना, फिर 2 रेड। चलो ध्यान से देखो, दो स्टेप्स है प्रॉब्लम में, पहला क्या है, इसमें से एक बॉल ट्रांसफर हुआ, फिर इसमें से एक बॉल विड्रॉ हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट, चलो ध्यान दो, कौन सी दो पॉसिबिलिटीज है, यहां से वहां पर रेड भी जा सकता है, यहां से वहां पे व्हाइट, चाहे रेड जाए चाहे व्हाइट जाए, वहां से रेड तो निकल ही सकता है कि नहीं कर सकता है, समझ में आया, तो पहले मैं केस लेता हूं, यहां से वहां पे रेड गया, यहां से वहां पे कौन सा गया बताओ, यहां से वहां पे रेड जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8 सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी, वही वहां जाने की है कि नहीं है। अब ध्यान, क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्रोसेस क्या है, ए से बी में ट्रांसफर करना कि बी से विड्रॉ करना, तो बी से, अब यहां से क्या निकालना है आपको, रेड क्या आएगा बोलो, 3/10, क्या आएगा, 3/10, क्यों 3/10, इस बॉक्स से उठा के आपने रेड बॉल यहां पे डाला है ना, कि मैंने माना ही क्या पहले, रेड माना है कि नहीं माना है, कि रेड जाएगा, तो क्या हो गया 5/8, तो यहां से यहां कौन ट्रांसफर हो गया, रेड, अब यहां रेड कितने हो गए और टोटल कितने हो गए, तो क्या जवाब हो गया, 3/10, क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया,
हो गया ना, क्या सेकंड बॉक्स में से बॉल निकल गया, क्या सेकंड बॉक्स में से बॉल निकल गया तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट केस बनेगा कि नहीं बनेगा, नेक्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स में क्या जा सकता है, व्हाइट प्लस ही करेंगे, क्या आएगा बोलो फटाफट, 3/8। अब यहां पे कितने रेड बचे, अभी दो ही बचे, अभी तीन नहीं हुए क्योंकि यहां से वहां रेड गया कि व्हाइट गया, तो वहां तो रेड दो थे, अभी भी कितने बचेंगे, दो डिवाइडेड बाय 10। क्यों 10, क्योंकि व्हाइट जाए या रेड जाए टोटल तो एक से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा इन सवालों का, चार सवालों का इसका कोई लेना देना नहीं, इन दोनों में आपस में कोई लेना देना, टू एक्टिविटी प्रॉब्लम्स ये वाले चार है ना, वो गलती से ये भी वहीं पे छप गया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 198। नहीं तो लिख लेने को, बस ये तीन सवाल करके लिख लेना, उसमें से 47 होमवर्क जाएगा, दो ही करना है। अ बॉक्स कंटेंस 5 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स एंड अनदर बॉक्स कंटेंस 2 रेड एंड 8 व्हाइट बॉल्स, पहले में क्या है 5 रेड और दूसरे में क्या है 2 रेड, 1 बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ईच बॉक्स, अंडरलाइन करो, पिछले सवाल में और इसमें डिफरेंस समझा रहा हूं मैं, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी दोनों बॉक्सेस में से एक एक बॉल आपने लिया था करेक्ट, बट इसमें पहले बॉक्स सिलेक्ट किया था और फिर बॉल सिलेक्ट किया था, तो ये भी सिलेक्ट हो सकता था, ये भी, क्या इसमें बॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग, नहीं, इसमें दोनों बॉक्सेस में से क्या करना है आपको, एक एक बॉल निकालना, दोनों बॉक्स में से क्या निकालना है, एक एक बॉक्स, ध्यान से सुनना, और दोनों में से क्या निकलना चाहिए, सेम कलर, रेड या व्हाइट नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला है, तो क्या दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हो सकती है, यहां से भी रेड, अच्छा दोनों बॉल्स, दोनों बॉक्सेस में से बॉल निकालने के बाद प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये तो समझ में आता है कि नहीं आता है, तो मेरे को बताओ दोनों में से रेड निकला तो भी चलेगा, दोनों में से, तो बताओ दोनों में से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8, क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नहीं, कब कंप्लीट होगा, सेकेंड बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/10, क्या जवाब खत्म हुआ, नहीं, ये तो दोनों रेड निकले, सेम कलर निकालना, दोनों रेड भी निकाल सकते हो, दोनों व्हाइट भी, तो बताओ प्लस क्या हो सकता है, बोलो फटाफट, 3/8 × 8/10, क्या बात समझ में आ गई, पक्का, चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 होमवर्क है, ये दो बॉक्सेस का सवाल है, वो कितने बॉक्सेस का सवाल है, 3, बाकी वो क्या है, कॉन्सेप्ट सेम। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 मेन एंड 1 वुमेन, बी कंसिस्ट ऑफ 2 मेन 2 वुमेन, फैमिली सी कंसिस्ट ऑफ 1 मेन एंड 3 वुमेन, अ पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच फैमिली, अंडरलाइन करो, अ पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच फैमिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 मेन एंड 1 वुमेन, 2 मेन एंड हर फैमिली में से एक एक आपने सिलेक्ट किया है, बताओ क्या है यहां पे, 3 मेन फैमिली 1, फैमिली 2 में क्या है, 2 मेन, और फैमिली 3 में 3 वुमेन, अब उनको सिलेक्शन क्या करना है, टू मैन चलो ठीक है, क्या क्या हो सकता है, मैन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन मैन, ठीक ध्यान दो, समझाता हूं, डोंट वरी, आपको कितने मैन चाहिए, 2 और 1 वुमेन, 2 मेन 1 वुमेन, क्या क्या हो सकता है, यहां से वुमेन मेन मेन, फिर यहां से, चलो ठीक है, पहले इसमें वुमेन लेंगे फिर इसमें और इसमें, समझ क्या करना है, यहां पे वुमेन यहां पे मेन यहां पे फिर मेन वुमेन मेन फिर मेन मेन वुमेन, ये समझ में आ गया, सोचना कैसे वो समझ में आ गया ना, ठीक, अब हर इसमें से मैं बताओ इसमें से मेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4
और वुमेन निकलने की क्या है 1/4, इसमें से मेन निकलने की 2/4, वुमेन निकलने की और इसमें से मेन निकलने की, और समझ में आया थोड़ा सा? अब सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मेन सॉरी सॉरी वुमेन मेन मेन, उसके बाद मेन वुमेन मेन, उसके बाद मेन मेन और वुमेन। ध्यान दो, यहां पे वुमेन निकालनी है ना, तो क्या आएगा बोलो फटाफट, 1/4 इंटू 2/4 इंटू, क्यों 1/4 मेन है ना, ठीक, यहां पे मेन क्या आएगा बोलो फटाफट, 3/4 इंटू 2/4 इंटू मेन निकालना है तो क्या आएगा 1/4, फिर यहां पे मेन तो क्या आएगा 3/4 इंटू, करेक्ट 2/4 इंटू 3/4। ये भी एग्जाम का सवाल है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आया क्या समझ में? डिफिकल्टी में मानता हूं, पर अभी तो समझ में आ गया ना, ठीक लिख लो। क्वेश्चन नंबर 47 होमवर्क। प्रोबेबिलिटी खत्म कर दूंगा।